सभापति महोदय, मैं एक बड़ी जरूरी चीज पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। मुझे मालूम है अभी मेरा टाइम है, आप कहोगे तो मैं बोलूंगा, पर मैं एक बात गंभीरता से कहना चाहूंगा। सभापति महोदय, ये जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका जिक्र सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, पिछले 4 साल से राजस्थान के लोगों को ठगने का काम कर रही है और इसके अंदर रकम का ज्यादा ब्याज देना, दुगना करना, सीकर के अंदर आपके इलाके में नेक्सा ग्रीन कैम ने अभी जो ठगी की आपके सामने है, आदर्श क्रेडिट सोसाइटी में 20 लाख निवेशकों के 44,682 करोड़ की ठगी, नवजीन क्रेडिट सोसाइटी में 400 करोड़ की, साई कृपा के अंदर कोऑपरेटिव के अंदर 372 करोड़ की, और सभापति मिले कुल मिला के 4 वर्षों में 30 लाख निवेशकों से 32,000 करोड़। हाँ, मैं वो भी बोलता हूँ। और सभापति महोदय, इसी के अंदर जो जिस पर मुख्यमंत्री जी बात करते हैं, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, 2,14,000 निवेशकों से 9,553 करोड़ का घोटाला। पर ये जो बैंकिंग ऑफ अनरेगुलेट डिपॉजिट एक्ट आया 21 फरवरी को, उसको आपने लागू नहीं किया। उसके पीछे मकसद एक ही था, इस प्रकार के क्रेडिट सोसाइटी की संपत्ति जब्त करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना। और सभापति महोदय, मैं मेरी बात को आगे बढ़ाऊं, अब ये जो जिस बात को लेकर संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी को लेकर मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाया केंद्रीय मंत्री पर, मैं निवेदन करना चाहूंगा, 2011, 12 और 13 में 3 साल में गजेंद्र सिंह जो मंत्री जी हैं, उन्होंने अपना 10 करोड़ का प्लाट बेचा, डीएलसी की रेट पर बेचा, बैंक ट्रांजैक्शन हुआ। और टीपी एक्ट जो बना हुआ है उसमें कहीं नहीं लिखा कि क्रेता से वो पूछे विक्रेता कि तेरा सोर्स क्या है। और संजीवनी क्रेडिट का ऑडिट भी हुआ, 10 करोड़ का प्लाट 953 करोड़ में अगर उन्होंने बेचा तो गुनाहगार हो गया। और ये जो विक्रम सिंह जी है, ये है कौन? ये विक्रम सिंह जी वो है सभापति महोदय जो कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता है। ये देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पश्चिमी रिफाइनरी सूर्योदय करवाने की शुभकामनाएं, ये विक्रम सिंह जी की फोटो आप देखिए सभापति महोदय, कांग्रेस से पचपदरा से उन्होंने टिकट मांगी, मेवाराम जैन विधायक बाड़मेर को रिफाइनरी लगाने पर हार्दिक बधाई, विक्रम सिंह की फोटो। सभापति महोदय, हरीश चौधरी एआईसी चौधरी पर मनोनीत होने पर विक्रम सिंह जी की फोटो। सभापति महोदय, ये अधिकार उनके साथ आपके केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री जी पर मानहानि का मुकदमा कर रहे हैं क्या? जो आरोप उनका नाम लिया मुख्यमंत्री जी ने, उनको शोभा नहीं देता, उन पर शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री जी ने नाम लिया मुकदमा कर रहे हैं, मानहानि का मुकदमा करवा रहे हो क्या? मुख्यमंत्री जी ने खुले में नाम लिया है, खुले में नाम लिया। अफसोस इस बात का है, गजेंद्र सिंह पर आरोप लगाया, उनकी दिवंगत मां पर आरोप लगाया। मेरी चुनौती है सरकार सिद्ध कर दे, इस सरकार अपने इस विक्रम सिंह कांग्रेस के कार्यकर्ता के माध्यम से एक बढ़ते हुए नेता को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री जी के पुत्र को हराया। सभापति महोदय, जांच की मांग करना चाहूंगा, जांच की मांग कर दो। अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, बिराजी मानी सदस्य प्लीज बिराजे बाप, मानी सदस्य प्लीज सेव करें, 40 मिनट से ज्यादा हो गया। सभापति महोदय, मेरे 40 मिनट है। सभापति महोदय, इनमें सच्चे 40 मिनट से ज्यादा जांच की मांग क्यों नहीं करते? दो मिनट। सभापति महोदय, ये जो बातें मैंने कही अंकित नहीं होगा, बड़ी जिम्मेवारी से कही है। थोड़ी 953 करोड़ के घोटाले में 10 करोड़ का अगर संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी एक व्यक्ति का प्लाट खरीदती है, एसओजी उसको दोषी बनाने की कोशिश करती है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। सभापति महोदय, ये तार कहां से कहां जा रहे हैं? और अंत में मैं जेल के बारे में 2 बात कह के बात खत्म करूंगा। सभापति महोदय, मैं इस बात के लिए तो धन्यवाद देना चाहूंगा के 1894 का अंग्रेजों के समय में बड़े प्रिजन एक्ट के माध्यम से जेल मैनुअल 1951 का इन्होंने संशोधन किया। पर एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो हाईकोर्ट ने जो सुमोटो जो रिट पिटीशन के अंदर जो इनको जेल प्रशासन को 45 निर्देश दिए थे, उनकी पालना इन्होंने नहीं दी और इन्होंने एफिडेविट देकर कहा कि हम 15 दिसंबर तक प्रिजन एक्ट सदन में नए रूप में प्रस्तुत कर देंगे। आज ये सदन पुलिस और कारगर पर बाकारागा पर बात कर रहा है, आज जेल
अपराधियों का एसका बन गई जेल से, अपराधी अपनी समानांतर गैंगे चला रहे हैं। और इन्होंने जो वादा किया हाई कोर्ट में एफिडेविट दे के एजी ने, उसके अनुसार ये जो नया प्रिजन एक्ट है ये कब सरकार लेकर आए ये बताएं। और कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर इन चार सालों में दहशतगर्दी का वातावरण रहा, राजस्थान के पुलिस का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिशोध के लिए किया जाता रहा, और अगर इसी प्रकार करेगा समय का चक्र बदल रहा है मैं कहना चाहता हूं, और इस तरह जो करेंगे उनको आने वाले समय में भुगतान भी करना पड़ेगा। ये इसी मन से मैं कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ।